लोकसभा चुनाव में जैसे ही थोड़ा वक्त रह गया है उसी के साथ चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना अस्तित्व तलाश रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की कमान अजय राय के हाथ में सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस की बैठक के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, ये उनका घर है। इसी के साथ सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार राज्य इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व पर सब कुछ छोड़ दिया है। उन्हें अपने जो उत्तर प्रदेश के सभी लीडरशिप ने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है और उसमें ये हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पे पूरा ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे हमारे राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश से आगे चुनाव लड़े, ये उनका घर है। राहुल जी वहां से सांसद रहे और मूलतः लोग इलाहाबाद से ही हैं, तो अपना घर है, घर में आकर यहाँ चुनाव लड़े, ये हम लोगों ने आग्रह किया। सर, गठबंधन का भी एक बड़ा पेच है क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो भी जो है बातचीत कर रही है, इंडिया अलायंस की बैठक भी होगी, गठबंधन को लेकर भी क्या व्यू प्वाइंट रहा? हालांकि केंद्र देखो हमेशा राज्य इकाई की ही सुनता है, आप लोगों का क्या? नहीं, इस बार राज्य इकाई ने पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व छोड़ दिया है, निर्णय उनको करना है, उनको उस पर निर्णय लेना है, उस पर हम लोगों ने सभी एकमत होकर प्रस्ताव करके उनको छोड़ दिया है। तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से पुरजोर कोशिशें जारी है, अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।